कोई कभी भी जैसे बस में ट्रेन में कहीं चलते चलते तुम्हें छेड़ देता है, जानबूझ के हाथ ऐसे लगा देता ना, वही फाड़ के रख दो उसको, चीर के रख दो। एक संदेश जाना चाहिए पूरे देश में कि बस अब नहीं। और जितने बलात्कारी है, मैं तो सरकार से भी हाथ जोड़ के कहती हूँ कि कीजिए आप सरेआम सरेआम सजा दीजिए। जब आपके घर तक बात पहुंचेगी तब चिन्मयानंद जैसा कोई आ गया आपके घर पे, तब सवाल करोगे क्या? हाँ, साधु का वेश बनाया हुआ है, नीच अधर्मी बलात्कार करता है तू। जिस औरत के अंदर से तूने जन्म लिया है उसी औरत को गंदा करता है तू। क्या आपको लगता नहीं है कि ज्यादा ही कुछ अधर्म बढ़ गया है? अरे 6 साल की बच्ची क्या समझती है, क्या जानती है? हाँ, अपने शरीर के कुछ अंग के बारे में भी वो समझती नहीं है। 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है, क्या हो रहा है? हाँ, क्या हो रहा है ये सरकार में? कब आप जनता एकजुट होकर ये सारे जवाब लेंगे सरकार से, ये सारे सवाल उनकी छाती पर ठोकेंगे? कब? हाँ, जब आपके घर तक बात पहुंचेगी तब चिन्मयानंद जैसा कोई आ गया आपके घर पे, तब सवाल करोगे क्या? हाँ, साधु का वेश बनाया हुआ है, नीच अधर्मी बलात्कार करता है तू। जिस औरत के अंदर से तूने जन्म लिया है उसी औरत को गंदा करता है तू। होगा, इनका नाश होगा, संभव है ये। क्यों? हाँ, जान जानी जनार्दन डरम पम पम पम, कौन कुटाया? हाँ, कौन कुटाया बे? अच्छा, विधायक? हाँ, सांसद कुटा गए? अरे बाप, सांसद कुटा रहे हैं, बहुत बढ़िया, कुटाएंगे। मार चप्पल, दे चप्पल, दे चप्पल, मार ससुर। हाँ, जीतने के बाद एक बार भी जनता की खोज खबर लोगे नहीं? हाँ, अपनी रोटी सेकने के लिए, हाँ, चुनाव की तैयारी करने के लिए फिर जनता के बीच में जाओगे? हाँ हाँ, तो कुटाओगे, ऐसे ही कुटाओगे। हमने तो बहुत ही पहले वीडियो में कह दिया था कि कुटाओगे। जो तुम जनता के साथ करोगे ना, जनता 4 गुना ज्यादा देगी। जनता बहुत दिलदार है, दरिया दिल है। जो आप दोगे वो आपको लौटा देगी। कुटा रहे हो, पिटा रहे हो, मोर बन रहे हो, सुझा रहे हो ना? होगा, जितना अधर्म करोगे ना उतना नाश होगा। यही वो बिहार की जनता है, भूली नहीं है भैया? पैरों में छाले पड़ गए थे तब कहाँ गए थे? कहाँ गए थे सांसद जी? चल रही थी रास्ते पर जनता, मर रही थी, कट रही थी पटरियों पे, तब कहाँ गए थे? अब जा रहे हो? हाँ, बिहार में चुनाव है, जितने भी बिहार के भाई बहन है सबको एक बार काजल निषाद का प्रणाम, धन्यवाद। इसी तरह स्वागत कीजिएगा, देह की दूरी बनाते हुए, दे कुर्सी, दे लात, घूसा, जूता, सब। काहे के भरोसा मत कीजिएगा नेताओं पे। सबसे ज्यादा कोरोना चपट में यही सब आ रहे हैं क्या भैया? जो कोरोना है वो जो है, मतलब भाजपा ज्वाइन कर लिया क्या? हाँ, तभी बहुत ज्यादा सेवा सत्कार हो रहा है कोरोना की तरफ से इन सब का। महोबा अस्पताल देखी है किसी ने?
पलंग और उन पे जो बेड बिछे हैं कीड़े घूम रहे, छोटे छोटे कीड़े, कीड़े जो पड़ जाता है ना, सब्जियां सड़ जाती है तो कीड़े पड़ जाते हैं, ऐसे कीड़े घूम रहे हैं। कितना बीमार करोगे जनता को, कितना परेशान करोगे जनता को, कितना अधर्म फैलाओगे, हाँ तो कुटाओगे पिटाओगे, होगा स्वागत इसी तरह। मैंने तो पहले ही जनता को कह दिया था कि इनको ऐसा सबक सिखाना कि जनता के बीच में जाने से ये थर थर कांपे, 100 बार सोचे कि जाऊं कि न जाऊं उस एरिए में, क्या हाल होगा मेरा। हाँ तो ये सब पहले क्यों नहीं करते हो? हाँ जब वोट लेना होता है तो मैया भैया करके पैर छूते हो, सबके घर जाते हो, लुग्गा 500 रुपया दारू बोतल ललचाते हो जनता को, तब जाते हो डोर टू डोर, आशीर्वाद भी लोगे, खाना भी खा लोगे, झोपड़ी में झोपड़पट्टी में जाके कहीं बैठ भी जाओगे, फोटो खिंचवाओगे सेल्फी। हाँ तो जीतने के बाद क्यों नहीं करते हो ये सब? करो ना जीतने के बाद। अब इतिहास बदलना चाहिए भारत का, कि जो नेता वोट लेने से पहले जो सारी चीजें करता है जनता के साथ, बहुत प्यार और भाईचारा दिखाता है ना, वो जीतने के बाद दिखाए, ताकि अगली बार भी उसको आना है ना भैया, अगली बार भी वोट लेना है ना, कि कुटाना है। जन जनी जनार्दन दररम पम 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 पम, कुटाना है। और एक संदेश, मैं एक संदेश आज मेरे सारे भाइयों को देना चाहती थी, सारी बहनों को, जो बहुत ज्यादा मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, धन्यवाद भैया, दिल से तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ मैं। सारे हिंदू मुसलमान भाई, मुसलमान बहने, हिंदू बहने, सभी जो मेरा सपोर्ट कर रही हैं, जो वीडियो बनाकर भी मेरे भाई मेरा नाम लेकर मेरा सपोर्ट करते हैं, उन सारे भाइयों को धन्यवाद। कमेंट में भी कितने भाई मेरे लिए लड़ते हैं, जो मेरे लिए खड़ा रहते हैं, उनको भी तहे दिल से धन्यवाद भैया। मैं देखती हूँ कमेंट, मैं लाइक भी करूंगी आपका, जितना हो सकता है मैं जवाब भी देती हूँ। कुछ लोग लिखते बहन एक्सेप्ट कर लीजिए मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट, तो मैं वो करती भी हूँ। भैया धन्यवाद, आप लोगों का साथ चाहिए हमें और हमारे जैसे और भाई बहन जो लड़ाई लड़ रहे हैं भारत के लिए, जनता के लिए, संविधान के लिए, सच्चाई के लिए। सब कहते हैं ना कि सत्य जो है वो परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, बिल्कुल सही। हम सब तो एकजुट हो ही रहे हैं, आप लोग भी सब एकजुट होइए। जो जहां का नेता है गलत कर रहा है तो इसी तरह से जवाब दीजिए, इसी तरह से जवाब दीजिए। क्या है कि ये जो है ना लातों के भूत है भैया, बातों से नहीं समझेंगे, इनके कुछ चमचे चपाटे आते हैं ना गोबर, सब समझते हैं क्या? नहीं समझेंगे, इनको ऐसे ही तड़पड़ाने दो, छटपटाने दो, फड़फड़ाने दो, ये इसी के लायक है। ये जितना छटपटाते हैं ना, आप समझिए कि निशाने पे लगा बिल्कुल, इसलिए इतना झल्ला रहे एकदम से, झल्लाने दो इनको, यही इनकी औकात है, क्योंकि सच्चाई इनको दिख नहीं रही है ना, सच्चाई नहीं दिख रही है। नेता पहले क्या बोलता था बाद में क्या बोलता है ये इनको दिखाई नहीं दे रहा है। कोरोना के आंकड़े जैसे मैंने अभी पहले ही शुरुआत में गुजराती में कहा, 22 लाख के पार हो गया, 42,000 मौतें कोरोना से हो चुकी है, पर इनको दिखाई नहीं दे रहा। मजाक करेंगे, मजाक करेंगे, नया नया कुछ आविष्कार करेंगे? अस्पताल का तो आविष्कार कर नहीं चुके आप, कर नहीं रहे हो। अभिजीत पापड़ का आविष्कार करेंगे, कोरोनिल का आविष्कार करेंगे, ताली थाली बजाओ, हनुमान चालीसा बोलो, क्या क्या, घंटी दिए सब अगरबत्ती जलाओ, कोरोना दूर हो जाएगा, 21 दिन में हम कोरोना की लड़ाई जीतेंगे। क्या हुआ, क्या हुआ? जनता पूछेगी ना सवाल, तब बिल में ढुक जाओगे, चूहे के भांति।
आप सोचो कि एक महिला, ये सरकार के पहले की सरकार जब थी तो एक महिला पूरे भरे संसद में सीधा प्रधानमंत्री को अपशब्द कहकर अपमानित करके कहती है कि चूड़ियां भेजूंगी मैं अपनी, तब कोई कुछ नहीं कहता, चू तक नहीं कहता उस महिला के बारे में, हाँ कोई कुछ नहीं बोला। गलती थी, बिल्कुल गलती थी, बोलना चाहिए था कि प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री अपमान कर रही हो तुम, बोलना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं बोला। और अभी देख लीजिए 29 राज्यों में से एक राज्य उत्तर प्रदेश, उसका एक मुख्यमंत्री, उसको कुछ महिलाओं ने चूड़ी भेजना चाहा तो सबकी गिरफ्तारी तुरंत। अपमान कर रही हो तुम, हाँ महिलाओं के चूड़ी भेजोगी नेता को, अच्छा अब अपमान लग रहा है क्या? मुख्यमंत्री बड़ा है या प्रधानमंत्री बड़ा है भैया? प्रधानमंत्री का अपमान अपमान नहीं है, मुख्यमंत्री का भी अपमान ये लोग होते नहीं, होने नहीं देते हैं। देखा, इसको कहते राजनीति। तो भैया जितने भी जो संयम रखे हुए है, धीरज रखे हुए है, शांति से जो बात करते हैं ना, गया जमाना अब नहीं चलेगा, इनको इनकी भाषा में ही जवाब दीजिए आप। क्यों? क्योंकि ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे, इसी तरह से जवाब दीजिए, ठीक। और सारी महिलाओं को भी मैं कह रही हूं, कोई कभी भी जैसे बस में, ट्रेन में, कहीं चलते चलते तुम्हें छेड़ देता है, जानबूझ के हाथ ऐसे लगा देता है ना, वहीं फाड़ के रख दो उसको, चीर के रख दो। एक संदेश जाना चाहिए पूरे देश में कि बस अब नहीं। और जितने बलात्कारी है, मैं तो सरकार से भी हाथ जोड़ के कहती हूं कि कीजिए आप सरेआम, सरेआम सजा दीजिए बलात्कारी जो भी हो, सरेआम सबके बीच में एक एक अंग काटिए उसका, सबको दिखाइए कैसे सजा दी जाती है, फांसी दीजिए चाहे गोली मारिए, लेकिन सरेआम कीजिए ताकि भीड़ में जो देख रहा होगा ना, जिसकी नियत में खोट होगी ना, वो सुधर जाएगा सजा देखकर, तो दूसरों की बेटी बच जाएगी। ये जो आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लाए थे आप, हाँ बेटी बचाओ था या बेटी मिटाओ था? हाँ बेटी मिटाओ था क्या? कितनों की बेटियों के साथ अत्याचार होगा, कब आंख खुलेगी सरकार की? बेऔलाद है ना सरकार, इनको क्या पता औलाद का दर्द क्या होता है? हाँ अरे आप बेऔलाद है साहेब, बाकी और भी तो नेता है औलाद वाले आपकी पार्टी में, इनको तो पता होना चाहिए दर्द। अपने नेता के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलना है, चाहे वो गलती क्यों ना। देखो एक भक्त ने तो देश का झंडा नीचे कर रखा है बिल्कुल मोड़ के, और ऊपर भाजपा का झंडा, और कुछ और तुच्छ और गोबर सब कह रहे हैं, कह रहे ये तो चाल है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इनको नहीं दिखेगा भैया, अंधे है ये गोबर। हाँ क्यों भक्तो, बहुत दिनों से प्रसाद नहीं दिया तुम लोगों को? वही कीड़े हो ना तुम लोग, जो मोहब्बा अस्पताल में बेड पर पलंग पर ऐसे रेंग रहे हो, वही हो ना तुम लोग, छूट गए क्या बे सब गटर से? हाँ पानी बहुत ज्यादा भर गया, बाढ़ आ गई ना, तो ये सब छूट गए गटर से, सपोले सब। भैया कहीं बाढ़ में पानी भरा है, मैंने खबर देखी थी, सांप भी निकल जाते हैं पानी में, है ना, 26 लोगों को डस लिया सांप ने, वहां भी कितने लोग बेचारे मर गए, कहीं आग लग जा रही है, पानी भर जा रहा है, संकट ही संकट। तो
तो बताओ इस बात पर, फिर से बताओ इस बात पर, कौन पनौती? लिखो लिखो कमेंट में लिखो, कौन पनौती भैया, कौन पनौती लिखिए कमेंट में, आपका स्वागत है। ठीक, धन्यवाद। मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24x7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।